हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बैंगन की मसालेदार सब्जी, जिस तरह होटलों में बनती है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, मैंने एक बड़े बैंगन को ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं और इनको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने तेल डाला है कढ़ाई में और तड़का दे दिए हैं। तड़का में मैंने 2 तेज़पत्ता और जीरा हींग का तड़का दिया है। उसके बाद हमने प्याज डाल दिया है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसमें डालेंगे उसके बाद हमने सरसों, पीली सरसों है, और लहसुन 2 मिर्चा का हमने पेस्ट बना लिया है। उसको इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको लगातार चलाकर भूनना है, जिससे कि सरसों का जो भी और लहसुन है उसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छे से भून जाए। अब इसके बाद हम डालेंगे मसाले। तो हल्दी है 1 चम्मच, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच है किचन किंग मसाला, 2 चम्मच हमने डाले हैं गरम मसाला और सब्जी मसाला मिक्स करके, वो हम डाल दिए हैं। इसके बाद 1/2 चम्मच करीबन लाल मिर्चा डालेंगे। अब इन सबको भी हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर का पेस्ट है, 2 टमाटर हमने काट करके पेस्ट तैयार किया, उसको डाल देंगे और इसको भी मिला लेंगे इसमें। इसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक भी हमने डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। मसालों को इतना भुनना है कि मसाले तेल छोड़ दें, तब तक हमको लगातार चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए दोस्तों, मसाले हमारे लगभग भुन चुके हैं। अभी थोड़ा उसको और भुनेंगे हम। मसाले हमारे अब एकदम भुन चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जितना आप लोगों को ग्रेवी रखना है उतना पानी डालिए। तो हमने बस 2 गिलास पानी डाला इसमें। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि इसमें उबाल आ जाए। देखिए दोस्तों, उबाल आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा चला लेंगे। चलाने के बाद दोस्तों, जो हमने बैंगन को फ्राई करके रखा था उसको अब इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से बैंगन को डाल करके, इसको भी इसमें मिला करके, और कम से कम 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए तैयार है बैंगन की सब्जी। देखिए इसका जो ग्रेवी है बहुत गाढ़ी नहीं है, बहुत हल्की भी नहीं है। अब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब गैस को कर देंगे बंद। और देखिए, हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।